Hello, this is Vijeta and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new to this channel, जल्दी से जाकर subscribe कर दो channel को. Like अच्छे बच्चे. इसे देख के तो पता चलेगा कि आज इस video में हम बात करने जा रहे हैं teenage makeup look के. और daily wear में भी आप इसे try कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा layers नहीं है. Simple makeup look है, but आपकी beauty enhance होगी. Teenage girls, makeup के मामले में ऑलवेज रिमेंबर दैट लेस इज मोर. हमें कम से कम मेकअप लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किन का ध्यान रखना है. लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फ्रूट्स खाना है, हेल्दी खाना है, कम चटपटा खाना है. जंक फूड जो हम हमेशा खाते हैं उसे में थोड़ा कम कर देना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है. तभी हम अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं और मेकअप कम भी लगाएंगे तो काम चलेगा. मेकअप के मामले में कभी भी सस्ता मत देखो. कोई भी लोकल प्रोडक्ट्स उठा के मत ले आओ, जैसे जो ठेले पर मिलते हैं वो सब को एक अवॉइड करो. आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, लाइक स्विस ब्यूटी है, ब्लू हेवन है, इनसाइट है, मेबलिन, लाइक मैं आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, बट एक कंपनी का करो, एक ब्रांड का करो एटलीस्ट. ज़रूरी नहीं कि आप मैक के प्रोडक्ट्स खरीदो क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल तो बिल्कुल नहीं है. मेकअप स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमें अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है. पहले फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन और उसके बाद आप अगर मेकअप लगाना चाहते हो तो लगाओ. ये तो हो गई ज्ञान की बातें, अब जल्दी से मेकअप भी स्टार्ट कर लेते हैं. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ. मैंने पहले से अपना फेस वॉश कर रखा है तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज करूँगी. पहले मैं अपने हाथों में इसे रब करूँगी, उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. उसके बाद बारी है सनस्क्रीन की. यहाँ मैंने ट्रिजिना का सनस्क्रीन लगा रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो. और हम इसे 15 मिनट्स तक एटलीस्ट छोड़ देंगे. सनस्क्रीन लगाने के बाद आप ग्लो देख सकते हो मेरे फेस पे. तो अब आई मेकअप की बात, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी काजल. अब अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, जिसमें मैं रेड सेट का यूज़ करूंगी. पूरे मेकअप लुक में मुझे लिपस्टिक सबसे बढ़िया लगता है बिकॉज इसे अप्लाई करने के बाद मेरा फेस टोटली इन्हेंस हो जाता है. मैं ब्यूटीफुल लगने लगती हूँ, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस होता है. और उसी रेड लिपस्टिक को मैं यूज़ करूँगी एज अ ब्लश. अपने दोनों चीक पे मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी और मैंने मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाया तो ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा. और थोड़ा सा मैं अपने नोज़ पे भी लगाऊँगी नेचुरल लगने के लिए. तो अब बारी है मस्कारा की. इसे अप्लाई करने के बाद आपकी आई लैसेस काफ़ी घनी लगेंगी और आपकी आईज़ ब्यूटीफुल लगेगी. तो मैं मस्कारा का सिर्फ एक कोट लगाऊंगी ताकि ये नेचुरल भी लगे और मेरी आई लैसेस भी घनी लगे. और मैं उसी रेड लिपस्टिक को आई शेडो के रूप में भी यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा लगाऊँगी ताकि नेचुरल लगे. तो बस यही था मेरा मेकअप. अब मैं सिर्फ अपने बालों को कॉम करूँगी और फिर मैं रेडी हो गई. तो देखा आपने मैंने कितने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करे. मैंने लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, मस्कारा अप्लाई करा, बस एंड आई एम गुड टू गो. और मैंने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाया पर फिर भी मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है. अगर नहीं लग रही तो यू कैन कॉमेंट मी. अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा हो, चैनल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन. मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय.